शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। गोगो साहब क्या हुआ, दारू मिला? नहीं मिला, नहीं गया था, बहुत भीड़ थी। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? प्रॉब्लम? पहले तो तू ये पूछ कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। सारा दिन भर घर में बैठे रहो तो प्रॉब्लम, घर से बाहर जाओ तो प्रॉब्लम, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की तो प्रॉब्लम, घर वापस आओ तो प्रॉब्लम, सैनिटाइज नहीं किया तो प्रॉब्लम, बिना सैनिटाइज के तुझे टच कर दिया तो प्रॉब्लम, भूख लगी है बाहर से बिरयानी मारे खाली तो प्रॉब्लम। सारा इस दुनिया में ना सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और अगर दुनिया को कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ये सारी चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तुझे बताता हूँ, सबसे पहले चाइनीज फोन दिए, फिर चाइनीज चावल, फिर चाइनीज अंडे, फिर फटे क्वांटम के खिलौने भेजे, पर इससे उनका मन नहीं माना। फिर सालों ने टिकटॉक किया, जिससे टिकटॉक का दिमागी बहुत जैसी होती है, ये बहुत सी आपके पिछवाड़े में नहीं, ये बहुत सी आपके दिमाग के अंदर होता है। इसे टिकटॉक ना भाई एच आई वी से भी खतरनाक होगी यार, एच आई वी वालों का ना इलाज हो जाता है, पर इन टिकटॉक वालों का ना कोई इलाज नहीं होता भाई। जिसको भी होता है ना उसके दिमाग के अंदर इतना सारा रघु भर जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में ना खून की जगह चुटियामा करने लगता है, और ये सारे फिर भी एक्टिव करते हैं। आदमी खुद को एक मिनट के लिए चूतिया बनाकर ये मान सकता है कि लोग ये सब खा सकते हैं, बट ये सारा चमगादड़ कौन खाता है? बता दो, खाते होता चमगादड़ भी छींकता होगा। अबे चूतिया चौकिया मुझे क्यों खा रहे हो, मुझे है क्या खाने को? साले मुझे तो कहीं मिल गया ना, मैं तुझे जरूर बोलूंगा भाई थोड़ा दूध खा लो, लड्डू थोड़ा दूध खा लो, पेट भी भर जाएगी, रिसाइकिंग भी हो जाएगा। एक तो कोरोना ने लाइफ की मां लेकर रखी है, ना काम धंधा है, ना दारू सूटता है, ना काम वाली है, ना दूध वाला है। सुबह उठता हूँ ना समझ नहीं आता, पहले ब्रश करूँ कि बर्तन माजूँ कि कच्चे दूँ कि पोछा मारूँ कि सब्जी काटूँ या खुद का काटूँ। सर औरत होने का दर्द क्या होता है ना, ये कोरोना ने मुझे अच्छे से समझा दिया भाई। मुझे तो लगता है ना हर हाउसवाइफ को एक अर्जुन अवार्ड देना चाहिए। ये ऑफिस गोइंग लड़की फोकट में एडमिट मिलती है भाई, काम करने में कुछ नहीं था वहां पर, 9 घंटे में 18 बार ब्रेक बंद करके वॉशरूम जाती है और बाकी के टाइम इंस्टा पे फोटो एडिट करती है और डालने के पहले से टाइम लेती है। हां व्हाई डू यू थिंक एवरी एचआर इज अ गर्ल, काम करने में घंटा पर उसमें कुछ। साले हर बैचलर की लाइफ में बेसिक नीड्स होती है दारू और सुट्टा, उसको भी ये साले चूतियों लोग सोने की भाव बेच रहे हैं। मैं बताता हूँ, 150 की सिगरेट की डब्बी को 450 बेच रहे हैं, 150 की बियर की बोतल को 650 में बेच रहे हैं, और वो भी प्रीमियम स्ट्रांग नहीं। ये मत सोचना कि एक मार के ठस जाओगे, घंटा। सर विस्की के लिए तो पूरे घर के कागजात तक मांग रहे भाई, और गांजा चरस तो भूल जाओ, उसके लिए तो 700 मरे का उपवास करना पड़ेगा। एक तो पूरे 40 दिन वेट करने के बाद सरकार ने हम जैसे गरीबों पर दया करके दारू की दुकान खोली, पर ये साले बेवड़े जाकर ऐसा टूटे जैसे सनी लियोन ने बैठा करके पिला रही हो। सरकार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है लॉकडाउन है घर पे रहो, लॉकडाउन है घर पे रहो, सेफ रहो, पर भाई तूने चाइना की लॉकडाउन देखी? लोग वहां पर एक्चुअली में बाहर नहीं निकल रहे, पर इंडिया में तो गाजर क्या साइकिल में बिना मास्क लगाए देसी मार के निकल जा रहे हैं। अगर कोई ने रोकता है कि कहां जा रहे हैं, तुमने जो पता क्या होता है, कोरोना हो जाएगा, हमने के कोरोना हो जाएगा, ये कोरोना तक तुम झाट में बांध के चलते हो, पर इन चूते पर पता नहीं कि ये कोरोना कब इनकी झाट से निकल के गांव में घुस जाएगा ना, इनको समझ भी नहीं आएगा। भाई मैं तुझे बताता हूँ, इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता, पूरी दुनिया समझा समझा के थक चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, बट ये साले बैठ के साथ में पत्ते खेल रहे होते हैं। यार मेरे खुद के दिमाग में ना सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा असर हुआ है कि पिछले 2 हफ्तों से बिना हाथ लगाए घूम रहा हूं यार, खुद को छूने में ही फटती है भाई। सर लोग ना पहले सिर्फ हैंड सैनिटाइज करते थे, पर ये साले चाइना वाले हमसे गरम मसाला के पैकेट तक सैनिटाइज करा रहे हैं। तूने कभी सोचा था कि तू गरम मसाले के पैकेट को सैनिटाइज करेगा, अपनी वॉलेट को सैनिटाइज करेगा, अपनी गाड़ी की चाबी सैनिटाइज करेगा? चलो ठीक है, इतना कुछ हो गया, मैं सोचा चलो एक काम करते जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं, तो जैसे तैसे करके मैं छुपते छुपाते बस्ते बचाते पुलिस से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। पीपीई किट पहन के आई थी यार, एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग देके चली गई, और वापस आते वक्त पुलिस ने मुझे अलग पहनाया। चलो ठीक है, पुलिस से डंडे खाने के बाद मैंने ये सोचा कि एक काम करते दारू तो नहीं मिला तो सुटा ले लेते, रात को दोनों भाई एक एक फूंक के सो जाएंगे। लेकिन तब जाके मुझे अपने देश के एक अनोखे कानून के बारे में पता चला कि दारू की दुकान से तो देश में कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन एक झाट बराबर पान की दुकान से पूरे देश में कोरोना फैल जाएगा। अरे आदमी करे तो क्या करे, आदमी घर से बाहर नहीं जाए, ऑफिस नहीं जाए, दोस्तों से ना मिले, पार्टी ना करे, बीच में जाके पलटी ना मारे, कमोड में जाके उल्टी ना मारे, अरे आदमी करे तो क्या करे यार, सारी जिंदगी झंड हो गई है। इस रिडिकुलस यार, सुसु वाला ना मेरे साथ भी है। अच्छा जा जाके बर्तन धो दे, तेरा डन।
हेलो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड प्लीज़ डू नॉट गो आउट इफ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड स्टे होम, दैट्स ऑल, जस्ट टेक केयर.